So you can see how we cross this trail. So this is the dreadful part of our trail. This glacier and to reach Gokyo. And I'm here. Yesterday I got a pain on my right knee. That's why I'm walking very slowly and carefully. For the first time I feel pain doing hike down from Chiravas. This type of portion is very tricky. You have to walk very slowly and carefully. Oh, look how dreadful beauty is this. What a view. Oh, what a beauty. So after doing strenuous work, it's very worthy to visit this type of lake with reflection seeing in the lake. What a beautiful view. And I'm here in front of this beautiful scenery. Okay, sir? Yes, okay. और आज सुबह जब हम निकले इतना ठंड था क्या बताऊं, मेरा दोनों पाम फीट और नोज टिप नम हो गए थे. This is one of the tiny glacier lake you can see. Yes. Namaste dai. Namaste. शायद आपको देख के ही पता लग जाएगा यहाँ पर ट्रेल मतलब कुछ भी नहीं है और आपको ऑफलाइन जीपीएस या गाइड और क्रियांस देख के ही पता लगाना होगा. और यहाँ पर एक छोटा ग्लेशियर लेक मिला जिसके ऊपर चोयू का ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन दिख रहा है. और ये दुनिया के 6th हाईएस्ट माउंटेन है जो थांगनाक से 43 किलोमीटर की दूरी पर है और नगजुम्पा ग्लेशियर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इतनी ठंड महसूस हो रहा है. ओहो, नमस्ते. नमस्ते दादी. नमस्ते. And the spiders! No, yeah, but the snakes just take the money that we'll film. Thank you. Namaste day. Namaste. Wow. पिछले दो दिन से इतने ट्रेकर एक साथ नहीं देखा हूँ. ये फॉरेन ट्रेकर
गोक्यो से ईवीसी हाइक करते हैं क्लॉकवाइज। शायद वो लोग आज थांगनांग में स्टे करेंगे और कल रात को 3 बजे से चोला क्रॉस करने के लिए जाएंगे। फाइनली जिसका इंतजार था पिछले 3 घंटे से, जो हमने स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पर पहुँचने के लिए, अब वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो कई ट्रेक जा रहे हैं थकनक के लिए। यहाँ पर इतना तेज हवा चल रही है, क्या बताओ यार। यहाँ गोक्यो लेक और पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। बड़े ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। लगता है हमारा इतना दिनों का सपना आज पूरा होने वाला है। और मौसम को देखिए, बढ़िया है और इसीलिए लेक व्यू कैसा इमेजिनरी दिख रहा है। और यहाँ पर इंडिकेशन है मेरे राइट साइड में नामचे का रास्ता है और सामने चोला का रास्ता। स्माइल। यस। The water is so crystal clear. You'll be amazed to see. Oh, what a beautiful scene, yaar. You are strictly prohibited no swimming, no diving, no washing clothes, Gokyo community. That's right, you have to follow this. This is pure clean. Finally done. Do you like to go for Gokyo Ri? Yes. How about you? No, I am done here. So you're heaven. No words enough to say this place. You can see the bathroom, absolutely world class. Oh, it's so well decorated. I never see in Nepal. Wow, the hotel's interior. That's so amazing. It's so elegant. You can see the room. We have no plan to stay here, but if you want to stay here, you can see the beautiful and mesmerizing lake view from here. Absolutely amazing hotel. And now we go there to enjoy the scenic celestial beauty of this lake. यहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस में नहीं होता है। हमारा भी सपना था यहाँ पर आना, लेकिन इतनी शानदार लेक, इसके सामने बैठना और चाय पीना, बात ही कुछ अलग होता है। कितनी सुकून मिल रहा है। पिछले 3 घंटा का पेन एक पल में बिल्कुल चले गए। Here it is on. This lunch at Gokyo. Veg momo.
vegetable. Very beautiful taste. लंच करने के बाद फिर यहाँ लेक के पास चले आए कुछ लम्हा बिताने के लिए और ये ज़िंदगी भर यादें बनाने के लिए। ऐसा महसूस हो रहा है शायद हमने कुछ मिस कर दी। अगर हम कल यहाँ पहुँचते तो और कुछ समय ज़्यादा बिता सकते थे और सुबह गोक्यो री जाके सनराइज़ भी देख सकते थे। जो नसीब में है वही हमको मिलेगा ना। ये ठंड बहती हवा, लेक के बहती क्रिस्टल नीला पानी और ऊपर आसमान में धूप छांव की मेला एक मनमोहक वातावरण तैयार की। कैसे हम जा सकते हैं यहाँ से। और मेरे राइट साइड में जो ब्राउन पहाड़ दिख रहा है ना, वही गोक्यो री जाते हैं। वहाँ से सब लेक्स और माउंटेन्स रेंज अच्छा दिखता है। सो वी आर लिविंग गोक्यो एंड गोइंग टू मेच्चर्मो। स्टे एट मेच्चर्मो। गोक्यो में 5 लेक्स है और ये लेक्स इंटरकनेक्टेड है विथ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम वन लेक टू अनदर और पार्शियली नगजुम्पा ग्लेशियर वाटर सोर्स है। और ये गोक्यो लेक्स को बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। हमें तो 2 लेक्स देखने को नहीं मिला क्योंकि गोक्यो री से सारे लेक्स आप देख सकते हो, साथ में ब्यूटीफुल सनराइजिंग। और जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, ये वाटर फ्लो आप देख सकते हो ऐसे ही लेक्स कनेक्टेड है। और ये है गोक्यो का फास्ट लेक। देखिए यहाँ का नजारा। और ये फास्ट लेक को देख के शायद आपको लगेगा इसका पानी क्यों नीला नहीं है। आप देख सकते हो अभी आसमान बादल छा रहे हैं तो सनरेज और आसमान का रिफ्लेक्शन अच्छा से नहीं हो रहा है और इसीलिए टर्बिट दिखा रहे हैं। गोक्यो लेक से मेच्चर्मो का दूरी 7 किलोमीटर है और ट्रेल आसान है क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा मौसम खराब होने से पहले क्योंकि आसमान पे बादल छा रहे हैं। यहाँ मेरा लेफ्ट साइड में जो रिवर आपको दिख रहा ना, वो दूधकोसी रिवर है और गोक्यो लेक्स का पानी इस नदी आकर मिल जाता है। आज सुबह 7:25 को हम लोग थकनक से निकला हूँ नगजुम्पा ग्लेशियर क्रॉस करने के लिए और रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था इसीलिए लगभग 3 घंटे के बाद हम लोग गोक्यो में आ गए। वहाँ से लगता है हम लोग अब 2 किलोमीटर आगे हैं लेकिन हमको और जाना होगा 5 किलोमीटर मेच्चर्मो के लिए। और कई कदम की दूरी है हम मेच्चर्मो पहुंचने वाले हैं। यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हो, चारों ओर बादल से घिरा हुआ है और नीचे हमारा डेस्टिनेशन एक छोटा गांव है। अभी तो सिर्फ 2 के 3 बजे है और बादल के कारण अंधेरा लग रहा है। यहाँ भी हमारा बुकिंग पहले से तासी दिलक हिमालयन लॉज पे है। It is our dinner and we are
staying at Mechchermo. Every space camp is taking the route, set a Motamoti normal route. Tarojati Protidin, Pasat kilometer Hataro best take a day. Korte Parbe was within a into Gokyo Lake Gokyo Ri route, set a two danger route at মান একটু সাবধান না থাকলে যে কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে চোলা পাঁচটা পেরোবার পরে যেটা উতরাই সেটা তো যে কোনো মুহূর্তে বিপদ মানে ডেকে আনতে পারে কাজে কাজে যারা আসবেন এই ট্রেকে একটু মেন্টালি প্রিপেয়ার হয়ে আসবেন অন্য কোনো অসুবিধে নেই এখানের মানুষজন খুবই কোঅপারেটিভ আপনি যে কোনো একটা ক্যাম্প থেকে পরের ক্যাম্পে যাওয়ার আগে ইনফরমেশনগুলো একটু নিয়ে নেবেন ওখানে অনেক গাইড থাকবে পোর্টার থাকবে বা হোটেল মালিক থাকবে তাহলে দেখবেন পরবর্তী রুট সম্পর্কে সব জেনে যাবেন নিজেদের গাইড পোর্টার ছাড়াই আমরা এসেছি আপনারাও আসতে পারবেন সমস্যার কিছু নেই ধন্যবাদ স্যার আপনাকে সো অনির্বাণ হাউ ডু ইউ ফিল দিস টোটাল এবিসি ট্রেক উইথ গোকিও টেল মি ইওর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অসম অসম এভরিওয়ান শুড ডু ইট ইন হিজ অর হার লাইফ টাইম অ্যাট লিস্ট ওয়ান At least once, and this is my dream from last 10 years, and I completed my dreams, and I am going back to home on the way, and it is a spectacular and splendid view. Whatever you saw, such a amazing and beautiful view. Now we are standing beside Gokyo Lake. This is third amazing. Lake. Yeah, Gokyo Third Lake, the most spectacular big lake. This is the from in Gokyo. There is five lakes, and among these five, this is the big one. And we take lunch here, and now we go to Mechchermo and spend our 2 days night there. Thank you for your okay. Advice. Thank you. So here is Nirman, and now I am going to interview. Our junior brother trekker Soham. Here is our junior brother Soham. Hello. Now you tell me your experience, beautiful experience about the whole trek with Gokyo Ri. It has been an amazing experience, specifically the view from Kalapathar. We went up to the Everest base camp, descended down, and for watching the sunset, we climbed up half of the Kalapathar. I would say, and the view of sunset is mesmerizing. After that, we descended down and again crossed the Chola Pass. Before the Chola Pass, there was a Chola Glacier. That's also very, very, very beautiful. It's like a lifetime experience. After that, we had to descend holding the wires. That's another lifetime experience. And today's experience, it has been marvelous because we didn't know the exact route and we had to cross a glacier. I'd like to say, also try to hike up the Gokyo Ri. We have not done that. Yeah, so I attempted that. I had yes. 1 hour in hand. Yeah. I tried my best to climb up to the Gokyo Ri. What do you see that. There? So from there I saw lots and lots of lakes, glacier, and I couldn't see the whole 360 view because I couldn't climb up to the top. But around 270 degree view of the mountain ranges, that has been an amazing journey so far. Thank you. Thank you, brother.